नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारू शर्मा। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह क्या बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको। पीछे मुड़कर देखता हूं तो दिल्ली पुलिस का मूल अगर ढूंढने जाए तो बहुत कठिन है, मगर मुझे लगता है कोतवाली से शुरू कर आज दिल्ली पुलिस जहां पहुंची है, ये परिवर्तन दिल्ली पुलिस ने जो किया है, इसी के कारण दिल्ली पुलिस आज चुनौतियों के सामने खड़ी। बदलते हुए समय के साथ जो अपने आप को नहीं बदलते हैं, समय उसकी राह नहीं देखता है, चुनौतियां उसकी राह नहीं देखती है, आगे निकल जाती है चुनौतियां, समय भी आगे निकल जाता है। मगर मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते गर्व के साथ कहता हूं, दिल्ली ने समय के साथ और आने वाली चुनौतियों के साथ साथ अपने आप को तैयार भी किया है और बदला भी है, इसीलिए दिल्ली पुलिस आज दुनिया भर में सम्मान के साथ बैठी। आज मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कोरोना के अंदर जो काम दिल्ली पुलिस ने किया वो काम शायद ही किसी पुलिस दल ने किया होगा। देश भर के पुलिस के जवानों ने इसी में से प्रेरणा ली है और इसके साथ साथ उसी कालखंड में कई ऐसी वारदातें होने की संभावना थी जिसको आपने आतंकवादी वारदातों को भी बहुत मुस्तैदी के साथ होने से पहले रोका है और इसके कारण आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मित्रों, दिल्ली पुलिस के सुधार के अंदर ढेर सारी गतिविधियां चल रही है। दिल्ली पुलिस में एक परसेप्शन मैनेजमेंट विभाग भी बनाया गया है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मित्रों मैं कई बार कह चुका हूं, आज भी देश की जनता को कहना चाहता हूं कि पुलिस की ड्यूटी को एक अलग नजरिए से हमने देखना होगा। हिंदी पिक्चर और कुछ कहानियों के आधार पर, कुछ किस्सों के आधार पर पुलिस की त्याग, तपस्या, बलिदान और उनकी फर्ज प्रत्यय की गंभीरता को हमने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं और आप जब राखी वाले दिन बहन से राखी बंधवाते हैं, हमारी बहन राखी बांधने आती है, तब दिल्ली पुलिस का और देश की पुलिस का जवान चौराहे पर खड़ा होकर कोई हादसा न हो इसकी चिंता करता है। सब लोग जब होली मनाते हैं वो दिन पुलिस सेवा के हमारे जवानों के लिए, हमारे कर्मचारी अधिकारियों के लिए सबसे ज्यादा टेंशन वाला दिन है। जब हम दीपावली मनाते हैं, जब ईद मनाते हैं, उस दिन भी उनको कानून और व्यवस्था की चिंता करनी होती है। जब पूरी दिल्ली में से रात को 2 बजे कंट्रोल रूम में एक फोन जाता है तो दिल्ली के एक ही नागरिक को तकलीफ है, मगर पूरी दिल्ली पुलिस को वो एक फोन का इंतजार में 24 घंटा सतर्क रहना पड़ता है। अपने जीवन में ना वो ढंग से समय पर खाना खा सकते हैं, ना अपने घर का खाना खा सकते हैं, ना समय पर वर्जिश कर सकते हैं, और ये सब करते 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 जब उम्र होती है तब उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, ना यहां ओवरटाइम होता है ना ड्यूटी के घंटे होते हैं, सबसे कठिन ड्यूटी देश भर की पुलिस निभाती है और देश भर की पुलिस में से 35,000 हमारे जवानों ने देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालते हुए सभी सीएपीएफ और सभी राज्यों की पुलिस में 35,000 जवान शहीद हुए हैं, इस सभी के प्रति हम सब के मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। मोहाली में इस वक्त भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मिलके आए हैं, धूरी दे व्यापारियों, मलेरकोटले दे व्यापारियों, संगरूर दे व्यापारियों, लुधियाने च व्यापारियों ने मीटिंग की, जलंधर च स्पोर्ट्स इंडस्ट्री वाले व्यापारियों ने मिले, बठिंडे दे विच व्यापारियों ने मिले, अमृतसर च व्यापारियों नाल गल होई, कोई कह दियो 8 टाउन हॉल कर चुका, 8 टाउन हॉल व्यापारियों नाल हो गए, क्योंकि व्यापारी आओगे तो रोजगार आओगे नाल, उदो भी तो लाभ होगा, बट व्यापारी जिहड़ा उह काम देऊगा जी, जे व्यापारी आऊगा, दुकानदार छोटा दुकानदार, छोटे दुकानदारों के फोन आते हैं कि सर असीं दस नहीं सकते, सातों फिरौतियां के फोन आते हैं कि सानू पता थोड़े बच्चे कितने पढ़ते हैं, इन्ने पैसे दे दो, ये अमन कानून है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। हाँ, जिते सरकार है जी होगी,
कि जिते डीजीपी नूं इह ना पता होवे कि कल मैं डीजीपी रहूंगा जां ना रहूं। 111 दिन च 3 डीजीपी बदलते, जिते मुख्यमंत्री आपके हिसाब नाल अपने मनपसंद दा जां कोई ईमानदार एडवोकेट जनरल नहीं लगा सकता। वो सरकार साढ़े बच्चों नूं माहौल दे दूगी जिहड़ी आप स्टेबल नहीं हैगी। सो अज व्यापारियों नूं किवें वापस लिया जाऊगा, किवें उन्हां नूं सुविधावां दित्तियां जाणगियां जिवें दिल्ली च दित्तियां ने, इहदे बारे ज़्यादा डिटेल दे विच मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी दस्सणगे। मैं चाहूँगा कि वह व्यापार बारे दिल्ली के व्यापारियों नाल किवें होया, पहला उन्हां दी की हालत सी, अजकल उन्हां दी की हालत है, इहदे बारे विस्तार दे विच। भगवंत जी ने आज बड़े इम्पोर्टेंट बात को टच किया है कि किस तरह से अमृतसर पंजाब का व्यापारी पूरी तरह से डरा हुआ है और व्यापार नहीं कर पा रहा, छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। उसके पहले मैं दो तीन चीज़ें टच करना चाहूँगा। एक तो आज सुबह अमृतसर के मेयर रिंटू जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और मैं समझता हूँ कि उनके ज्वाइन करने से अमृतसर में आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और मैं समझता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि अमृतसर के लोग सभी सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। रिंटू जी अमृतसर के मेयर, मौजूदा मेयर, सिटिंग मेयर, एक लोगों की डिमांड रही है कि अमृतसर को वर्ल्ड आइकन सिटी बनाया जाए, ये बहुत दिनों से डिमांड है। मैंने और भगवंत जी ने भी इस पर काफ़ी चर्चा की और आज जब रिंटू जी ने ज्वाइन किया वो इसके बारे में पहले से काफ़ी काम करते रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो पंजाब के लोगों के, और बताते हैं कि 1,00,000 से ज़्यादा लोग रोज हरमिंदर साहब जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो और वीकेंड के ऊपर तो 1.5-2 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। तो ये वर्ल्ड आइकन सिटी अमृतसर को बनाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। एक मैं और भगवंत जी जब गांव-गांव में जा रहे हैं, पंजाब के अंदर अभी भगवंत जी ने बताया कि व्यापारियों को डरा रखा है, ना केवल व्यापारियों को, पंजाब के हर आदमी को इन्होंने डरा रखा है। पर्चा राज पूरे पंजाब में है, झूठे पर्चे करते हैं, झूठे पर्चे करते हैं, डराते हैं। मतलब माहौल ऐसा है कि कोई पत्रकार किसी से जाके अगर पूछता है भाई किसको वोट दोगे, लोगों को बताने में डर लग रहा है, कहते जी पर्चा हो जाएगा, हम साइलेंट वोट देंगे, पर्चे लोग मुंह खोलने में लोगों को डर लग रहा है। और ये गलत प्रमाणित हैगी है और केंद्र सरकार ने इनू संसद च भी मनिया हैगा कि पाकिस्तान तो हथियार और पाकिस्तान तो नशीले पदार्थ आते ने और जेडे ड्रोन फड़े गए ने वो ड्रोन सारे ने वेखे भी ने, उस तो अपना उस दे उपर सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस भी हुई ने, और जिहड़ी पाकिस्तान तो पंजाब नू कंटिन्यूइंग थ्रेट है उस चीज़ नू अगर कोई घटा के वेखण की कोशिश करता हैगा तो एक बहुत वड्डी गलती करता है। वी शुड ऑलवेज रिमेन कॉग्निजेंट ऑफ द कंटिन्यूइंग थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान इन सो फार एज पंजाब इज कंसर्न। चिंता मत करो, बस कितने 20 दिन रह गए और 20 दिन, आज 16 हो गए, 20 दिन और 22 दिन और रह गए, 22 दिन और इंतजार कर लो डर का, उसके बाद शांति का माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा पंजाब के अंदर, ये डर सारा खत्म होगा। लेकिन डर सर, डर 22 दिन में नहीं, डर उनको 4 दिन में ही खत्म करना पड़ेगा। झाड़ू वाला बटन दबा दो आपका डर खत्म, डर खत्म, झाड़ू वाला बटन दबाते ही डर खत्म। एक जो पूरे पंजाब एक आतंक के दौर से गुजरा तो हर आदमी के मन में यह रहता है कि वो उस किस्म का दौर वापस नहीं आना चाहिए। जिस किस्म से पिछले कांग्रेस ने अपने 5 साल में माहौल खराब कर दिया पंजाब का, बेअदबी का जो बरगाही का कांड हुआ उसकी अगर जांच हो जाती, टाइम पे जांच हो जाती, मास्टरमाइंड जो उसके थे उनको सजा मिल जाती,
तो दोबारा अब हरमिंदर साहब जी के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती एंटर करने की, बेअदबी की कोशिश करने की। लुधियाना के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मोर बॉम्ब ब्लास्ट का आज तक क्या हुआ किसी को नहीं पता चला। तो कांग्रेस ऐसे लगता है जैसे जो भी मास्टरमाइंड है इन सारी घटनाओं के, ऐसे लगता है जैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस मिली हुई है, या कांग्रेस ने 5 साल हो गए कांग्रेस ने जांच क्यों नहीं कराई। इस सर कल राहुल गांधी का जो बयान था वो बहुत ही खतरनाक था, बिल्कुल बीजेपी वाला बयान था कि अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार ना बनी तो पंजाब में दोबारा आग लग जाएगा। बट दैट मींस इस तरह के खतरनाक बयान ये लोग दे रहे हैं। हम पंजाब के व्यापारियों को, जनता को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार आपको एक सुखी शांत और भाईचारा कायम करने वाली सरकार दे सकती है। व्यापारियों को अब किसी भी अफसर से और किसी भी नेता से डरने की जरूरत नहीं होगी। कोई अफसर आपको नहीं डरा सकता, कोई नेता आपको नहीं डरा सकता। पहले दिल्ली में भी माहौल था कि अफसर जाते थे, हफ्ता लेके आते थे, महीना लेके आते थे, पैसा ऊपर तक पहुंचता था। दिल्ली में ये बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी पंजाब के व्यापारियों से अपील है कि दिल्ली के व्यापारियों को फोन करके देखो। दिल्ली और पंजाब के बीच में व्यापारियों का बड़ा आना जाना रहता है आपस में, बहुत ज्यादा व्यापार है दिल्ली और पंजाब के बीच में, आपस में सब लोग जानते हैं। दिल्ली के व्यापारियों को फोन करके देखो कि क्या केजरीवाल की सरकार में आपको अफसरों को पैसे देने पड़ते हैं, और फिर यहाँ पे आप डिसाइड करो कि आप हमें वोट दोगे या नहीं दोगे। दिल्ली के अंदर हमने रेड राज बंद कर दिया, दिल्ली के अंदर हमने इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया, इसी तरह से यहाँ पे व्यापारियों को हम अच्छा माहौल देंगे, ईमानदारी से वो काम कर पाएंगे। सभी आढ़तियों से और सभी व्यापारियों से मेरी अपील है, अभी तक कहा जाता था कि पंजाब का व्यापारी वर्ग कांग्रेस का वोट बैंक है। मैं सभी व्यापारियों से अपील करना चाहता हूं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। पहले दिल्ली में कहा जाता था कि सारा व्यापारी वर्ग दिल्ली का बीजेपी का वोट बैंक है, आज 5 साल के 7 साल के बाद दिल्ली का सारा व्यापारी आम आदमी पार्टी का वोट बैंक हो गया, हमने उनका दिल जीता है। तो व्यापारियों से खास अपील कर रहे थे यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पंजाब चुनाव के तहत कह रहे हैं कि व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है, अधिकारियों से भी डरने की जरूरत नहीं है।